नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। बिग ब्रेकिंग न्यूज। सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत करौंदी कला के ग्राम पंचायत नपवार पारो पट्टी में एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चले कि दबंग प्रधान द्वारा बंजर भूमि पर जबरन कब्जा करवाया जा रहा है। उस बंजर भूमि पर पूर्व प्रधान सुरेश उपाध्याय द्वारा 122वीं का मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था, लेकिन उसकी प्रधानी जाने के बाद नए प्रधान दबंगई पर उतर आए हैं और वह बंजर भूमि पर जबरन कब्जा करवा रहे हैं। पूर्व प्रधान सुरेश उपाध्याय ने बताया कि जब हमने इसकी तहरीर थाने में दी तो करौली कला थाने में भी इसकी सुनवाई नहीं हुई। हम सब तहरीर देकर आते हैं, तहरीर का कोई महत्व नहीं होता है। अगर पुलिस जाती भी है तो उतने समय के लिए काम बंद कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से काम चालू कर दिया जाता है और हम सब बहुत परेशान हैं। इंडिया समाचार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमें प्रशासन द्वारा न्याय मिलना चाहिए और अवैध कार्यों को जल्द से जल्द बंद करवाना चाहिए। अगर बंद नहीं हुआ तो इसके लिए डीएम साहब के यहाँ हम जाएंगे। इंडिया समाचार के लिए पंडित एसपी भट्ट की खास रिपोर्ट। हमारे साथ वर्तमान प्रधान जी, प्रधान जी क्या कहते हैं हमारे गाँव मैटर? यही है, जितना ये काम करने जाते हैं कुछ न कुछ पुलिस स्टेशन में बुला कर इनका काम रुकवा देते हैं। इनके पास एक मड़ई भी नहीं है, एक छप्पर भी नहीं है कि बेचारे किस नीचे रहें। जो आरोप लगा रहे हैं क्या सही है? एकदम सही है। अच्छा, आरोप एकदम सही है। तो जो 122 बी का मुकदमा है, आप जानते हैं कोर्ट द्वारा रुका है, तब भी काम चल रहा है? नहीं, मुकदमा तो है लेकिन इसके पास कोई एक रहने की जगह नहीं है, इसलिए सोचता है कि अपना छप्पर रख लें और रहने का व्यवस्था बना लें, और दूसरा कोई जगह है नहीं इसके पास, मजबूर है। थाने में गए थे, इनके पक्ष में नहीं आया? जी नहीं, जी नहीं, तो नहीं गए। आपको बताना चाहिए इनके बारे में, के बारे में पहले पुलिस आती है बार बार रोकती है ना जी, तो आपको बताना चाहिए था इनके बारे में। अरे क्या बताएं इनके बारे में, खुद ही बताएं अपने बारे में, हम क्या बताएं। गए थे सर? ये अपने बारे में खुद ही बताएं, इनके साथ मैं नहीं गया था। जब ये पुलिस स्टेशन आए थे, चार आदमी को लेके गए, 151 किए, तब पर भी हम नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि लोग अपना गलती कर रहे हैं, दोनों तीनों भाई अपना लल लपट रहे हैं, जगह बंजर की है, बंजर की जगह में लोग झगड़ा कर रहे हैं, उस विवाद में हम क्यों जाएं? अच्छा, हम सही है विवाद तो उसमें जाएंगे और गलत रहेगा तो नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 122 बी का मुकदमा चल रहा है, क्यों चल रहा है, और अगर चल रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? 122 बी का मतलब क्या है? क्योंकि ये एज ए कानून के दायरे में आता है, इसका मतलब कुछ होगा तभी चल रहा है। हाईकोर्ट का मामला है, इसके बारे में क्या कहना है कि आप पूछिए। जो 122 कंपनी का मुकदमा चल रहा है, इसके बारे में हमारा नहीं चल रहा है, उन लोग का चल रहा है। उन लोग अगर हमको पता नहीं है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अभी पता चला कि चल रहा है मुकदमा, मुकदमा चल रहा है तो नहीं बनाए, अपना छप्पर वप्पर डाल के कैसे भी रहें। ये लोग गरीब हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए, बस। और हमको कुछ चाहिए नहीं, हमसे कोई नहीं।